जलंधर नगर निगम के मीटिंग हॉल में आज B&R कमेटी की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग से पहले मेयर जगदीश राजा ने बबली चड्ढा को इस कमेटी का मेंबर नियुक्त किया, जिसका मेंबरों और चेयरमैन ने स्वागत किया। मीटिंग के बाद महिला पार्षद ने कमेटी के कार्यों की कमियां गिनवाई और शिकायत भी दर्ज करवाई। जलंधर नगर निगम की B&R कमेटी शहर में विकास के कार्यों की समीक्षा और उनमें सुधार लाने के लिए कार्य करती है। आज इस कमेटी की मीटिंग चेयरमैन जगदीश गग की अध्यक्षता में हुई। इसमें बब्बी चड्ढा नए मेंबर के रूप में शामिल हुए, जिनका सबने स्वागत किया। इस मीटिंग में विभिन्न वार्डों में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में मेंबरों से बात की गई। चेयरमैन ने कहा कि बब्बी चड्ढा का स्वागत करते हैं और इसके बाद शहर भर के वार्डों और विधायकों के क्षेत्र में कार्यों का लेखा जोखा पेश करेंगे। अगर कार्यों में कोई त्रुटियां पाई गई तो उनमें सुधार करेंगे। मेंबर और पार्षद हरशरण कौर हैप्पी ने कहा कि ठेकेदार सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़क बनाने के बाद साइड गलियों का निर्माण नहीं कर रहे और न ही सड़कों के किनारों की सफाई करते हैं, जो कि उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आज शिकायत दे रही हूँ। खुशबू पंजाबी के लिए जलंधर से रवि गिल और सुखविंदर सिंह की विशेष रिपोर्ट। सब तो पहला तो मैं बहुत धन्यवाद करदा अपने मेयर जगदीश राजा जी का। उन्होंने सानू अज B&R कमेटी के नया मैंबर शामिल किया, श्री बब्बी चड्ढा जी ते होर मेरे सत्कारयोग मैंबर मैडम हैप्पी जी, मैडम सरपो देवी जी, राधिका जी और बाकी सारे ऑफिसर जवान। मैं इन्हां दी धन्यवाद जानकारी दे रहा कि जो साडे मैंबर ने वो चाहते ने कि असी तुहाडे राही वधिया तो वधिया काम करिए जलंधर विच, ताकि तुहाडी कारपोरेशन का नाम ही होवे ते B&R कमेटी का भी नाम होवे। इसलिए मेयर साहब ने सानू एक बड़ा होनहार मैंबर दिता, मैं धन्यवाद करदा मेयर साहब का। अज जो असी मीटिंग कर रहे हैं, अज की मीटिंग दे विच असी सारे जलंधर का जो 5 साल दे विच एक एक MLA दे इलाके का जिन्ना भी काम होया साडे वालों उहदा सारा लेखा जोखा अज असी दसांगे भी किन्ना किन्ना काम किहड़े किहड़े वार्ड दे विच होया ते किन्ना किन्ना काम किहड़े MLA दी कॉन्स्टिट्यूएंसी विच होया। अगर उहदे विच कोई त्रुटियां होणगियां तां साडे मैंबर साहिबान इस गल दे बारे अधिकारियां दे नाल डिस्कस करनगे। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मीटिंग तों बाद तुसीं मेरे नाल गल कर सकदे हो। थैंक यू। सत श्रीकाल जी, मैं वार्ड नंबर 31 तो कौंसलर हरशरण कौर हैप्पी। मैं B&R कमेटी की मैंबर हाँ तो अपने बब्बी चड्ढा जी अज साडे नवे मैंबर बने ने, इन्हां नूं असीं वैलकम करने हैं। और मैं अपने ऑफिसर साहबान का बहुत धन्यवाद करती हाँ कि साडा बहुत साथ दिंदे ने। जिहड़े साडे बच्चे ने जेई जिहड़ी साडे मतलब एरिया दा, उह ते साडा बहुत ज़्यादा मतलब पारितोष है, बहुत वधिया साथ दे रहा। मैं सिर्फ तुहाडे मीडिया के थ्रू एक मैसेज देना चाहनी अपने ठेकेदारां नूं, क्योंकि जड़ियाँ सड़कां बन रही ने ना, मतलब तुसी आप चैकिंग देखो उन्हां दी वाके कि सड़कां दा मटीरियल बिल्कुल भी ठीक नहीं हैगा। मतलब असी सैटिस्फाइड नहीं हैगे इस कमेटी तो भी, क्योंकि मतलब जिहड़े मतलब सीवरेज उन्हां दे ढक्कन नहीं उच्चे किए जा रहे। कोई भी सड़क बनती भी है उहदी कोई रोड गली नहीं पै रही। अगर कोई रोड गली पै भी रही है तो उहनूं पलस्तर नहीं अंदरों किया जा रहा और ना उहदे अंदर कोई पाइप पै रही है। फिर जे सड़कां बन जांदियां ने उहदी आले दुआले दी जिहड़ी सफाई है बिल्कुल भी नहीं हो रही। मतलब जिथे मिट्टी पई जां पत्थर कटदे ने उत्थे दे उत्थे ही पए ने। मतलब असी किन्ना को अपने ऑफिसर साहबान नूं तंग करांगे, क्योंकि जिहड़ी इन्हां दी अपनी ड्यूटी है ठेकेदारां नूं, उहनां नूं अपने आप इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये जे असी सड़क बना रहे हैं उहनूं एक प्रोपर वे नाल उहदा काम होना चाहिए। सिर्फ मतलब जिहड़े ठेकेदार ने इस टाइम सिर्फ एक लुक पाउण तक सीमित ने, मतलब इस मतलब असी सैटिस्फाइड नहीं हाँ। बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अज असी गग साहब नाल ही शिकायत की है, गग साहब नाल ही मीटिंग असी अज रखी है, क्योंकि मतलब जिहड़ा काम है एक प्रोपर वे नाल होना चाहिए। मतलब तुसी मेरी संघा चौंक दी अजे 1 साल होया सड़क जाके देखो, मतलब जो सड़क नूं तोड़दे ने ते उहनूं जाके देखना चाहिए कि सड़क क्यों टुटदी पई है। जे सीवरेज साफ हो रहे ने ढक्कन जिहड़े ने उहनां दे उच्चे ही नहीं चुके जा रहे, और इस टाइम मतलब घट्टो घट नहीं तो 10 तों 12 इंच ढक्कन डाउन ने। और मतलब जिस तरह हुण फोगिंग दा सॉरी फोग आ जा कुछ है उहदे करके इन्नी ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि मतलब लोकां ते साडे कोल आ के मतलब जिहड़ी कोई प्रॉब्लम है लोकी इह कह दिंदे जी कौंसलर पैसा खा रहे ने।
जो कि कौंसलरां ते कुछ पता ही नहीं होंदा कि की हो रहा है। इस करके असी अपने अज चेयरमैन साहब नूं यही एक रिक्वेस्ट करदे आ। चेयरमैन साहब ने मौके ते जाके कोई सलूशन देखने की कोशिश की थी? बिल्कुल जी, चेयरमैन साहब जानते हैं पर वो कल्ले ही जानते हैं, मतलब कमेटी के मैंबरों को घट इनवॉल्व करते हैं इस चीज़। कारण की है ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕੱਲੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 66 ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ 70-70-80 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕ ਪਹਿਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਘਪਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ।